बिल्कुल ओके ओपन योर माउथ सर। छोले भटूरे की स्ट्रीट फूड में थोड़ी महंगी हो जाएगी वो आपको पता ही। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। तो थैंक यू सो मच, आपने प्रीवियस वीडियो को इतना प्यार दिया। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप चेकआउट कर सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। बाकी इसके अलावा दोस्तों, पिछले कल हमने स्टॉल्स कवर कर दिए थे जहाँ पे हिमाचल की ट्रेडिशनल आइटम्स मिल रही थी, लेकिन आज कवर करेंगे हम हिमाचल का ट्रेडिशनल फूड जो मिल रहा है विंटर कार्निवल 2023 में। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या मिल रहा है इस बार विंटर कार्निवल में। तो राइट नाउ वी आर एंटरिंग इनसाइड द परेड मैदान। तो ये एंट्रेंस है कैंडल पॉइंट से, जो बड़ा सा गेट लगा है दोस्तों। बाकी अब चलते हैं मॉल रोड पे और वहाँ पे लगे हैं बहुत सारे स्टॉल, राइट हैंड साइड भी, लेफ्ट हैंड साइड भी, सामने भी, पूरा शिमला भर चुका है स्टॉल स्टॉल से और इतना सारा व्यंजन। तो अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं तो जल्दी आइए क्योंकि 31 या 5 तक ये ख़त्म हो जाएगा। तो अभी भी वक्त है और न्यू ईयर का प्लान करो यार, शिमला कितना दूर है, NH बन चुका है, बाकी ट्रैफिक नहीं लग रहा अभी इतना ज़्यादा शिमला के लिए तो खासकर। तो करता हूँ बैक कैमरा और देखते हैं स्टॉल। तो दोस्तों स्टॉल की शुरुआत हो जाती है बिल्कुल यहीं से। तो सबसे पहले है तो ये चिकन कॉर्नर सोच सकते हैं आप इसे, मटन चावल, बटर चिकन चावल तो यहाँ मिल रहा है वो फर्स्ट कॉर्नर पे। सेकंड भी आप समझ सकते हैं कि चिकन प्लस वेजिटेरियन कॉर्नर है। एंड थर्ड ये जनता बेकर्स है, जिनकी पेस्ट्री 70 रुपीज़ है, वाटर बॉटल 20 रुपीज़ है। असली में इनकी शॉप लोअर बाजार शिमला में है, जनता बेकर्स, यहाँ मिल रही कुल्लड़ चाय और यहाँ बन रहा है दोस्तों अपना पाव भाजी, पनीर चिली, यहाँ पे भी नॉन वेज है अवेलेबल। बाकी यहाँ मिल रहा है दोस्तों बच्चों की आइटम्स और साथ में ये गर्म शॉल्स। कितने की भी है ये? 250 की, ये 250 की मिल रही है। ओके, कितने की बताइए आपने? 250 की। तो ये सॉक्स आती है 150, और ये सॉक्स है 150 की, सही है। और ये वॉशेबल भी है दोस्तों, और नीचे से इसके अंदर रबड़ लगा हुआ है ताकि आप स्किट भी ना करें और नीचे से गीली भी ना हो जाए। बाकी यहाँ पे है गिफ्ट आइटम्स, और यहाँ फेवरेट लोगों के गोल गप्पे, कुरकेस, पैटीज, आलू टिक्की और साथ में पाव भाजी, बिल्कुल गर्मा गर्म। तो प्राइस कुछ ऐसे है। सिड्डू 100 रुपीज़ का प्योर की, और मोमोज है 70 रुपीज़ के 8 पीसेस, गोलगप्पे 60 की प्लेट, भेलपूरी 80 की, और बहुत कुछ है। तो कुरकेस मुझे यहीं पे दिखे, बाकी कुरकेस कहीं पे भी नहीं है, इसी स्टॉल पे है कुरकेस। बाकी यहाँ पे बुलन आइटम्स, और पजामे लोट। और आप सोच रहे हैं चिड़िया कहाँ से आ गई, लेकिन चिड़िया नहीं दोस्तों, अब भी आवाज़ निकाल रहे हैं। और ये चिड़ियों के लिए बहुत ही अच्छी आइटम जो ऊपर लगी हुई है, आप घर के बाहर लगा सकते हैं। और तो जैसे कि मैं बात कर रहा था दोस्तों, तो फूड स्ट्रीट जो हमारे साथ है आए, तो बाकी यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों ट्रेडिशनल हिमाचली धाम, साथ में सिड्डू, और नीट एंड क्लीन देख सकते हैं आप कितनी सफाई है, मतलब लगता है कि प्रोफेशनलिज्म झलक रहा है पूरा। बाकी इस कैंडल पॉइंट्स पे इनका पूरा आउटलेट है जहाँ पे आपको पिज़्ज़ा हट, KFC, कॉस्टो, वांगो, हिमाचली धाम सब कुछ अवेलेबल होगी। बाकी जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है और क्या प्राइस रेंज में मिल रहा है, थोड़ा सा बताएंगे। सर हमारा जो सिड्डू है वो 100 रुपीज़ का है, हिमाचल का फेवरेट है। यहाँ पर दो होते हैं, स्वीट सॉल्टेड होते हैं, और ये थाली है हिमाचल की, ठीक है सर। और डोसा है, मसाला डोसा, बटर डोसा और घी डोसा होता है। ओके, तीन टाइप के मिलते हैं। और हमारा टाउन हॉल है नीचे, यहाँ पर पूरा लैंड के अंदर जो है, जो मैंने आपको पहले दिखा दिया होगा वहाँ पे अंदर बहुत है, बट आप अगर मॉल रोड पे घूमते हुए ट्राई करना चाहते हैं तो बाकी हमारे साथ आलू मसाला, आलू मसाला, यस, ये सांभर, सांभर देसी घी, देसी घी, देसी घी, प्योर देसी, प्योर देसी घी। और सर ये डोसा बैटर, ये कोकोनट चटनी है, और ये सर हमारी ऑनियन चटनी है, ऑनियन चटनी, यस।
तो राइट नाउ हमारे सामने बन रही है दोस्तों आलू पूरी, और सबसे मेन चीज होती है ऑयल, बिल्कुल फ्रेश है, काला नहीं है। मतलब वरना ज्यादातर ऐसा होता है कि वो जो ऑयल होता है वो डार्क हो जाता है, क्योंकि रीयूज करते रहते लोग उसे। बड़ी चीज है दोस्तों। और इसकी प्राइस कितना है? 100 रुपीज। 100 रुपीज इसका प्राइस है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे अपनी गर्मा गर्म जो पूरी है वो लग चुकी है, मतलब बिल्कुल ताजा बन रही है, मतलब ऐसा नहीं कि पहले से बना के रखी हो, और बिल्कुल साफ ऑयल और हाइजीन का पूरा ध्यान रखा है, ग्लव्स वगैरह पहने हुए हैं, सबसे मेन चीज है दोस्तों, क्योंकि कोविड फिर से फैलने वाला है लग रहा है जैसे बाहर। बाकी ये शेफ ओम प्रकाश जी ने हमारे लिए तैयार कर दी है आलू पूरी, बहुत देखने में तो ऐसे लग रहा है। ये अचार है सर, तो हमारी आलू पूरी जो है वो आ चुकी है दोस्तों। तो जो पूरी है, सबसे बड़ी बात ना हमने वीडियो में देख ही लिया होगा कितना फ्रेश ऑयल था, और बिल्कुल गर्मा गर्म ओम प्रकाश जी ने बना दी हमारे लिए पूरी, और साथ में आलू और अचार। तो ये चार पूरी है, तो ये 100 रुपीज की रहती है चारों पूरी, तो 100 रुपीज की चार पूरी दोस्तों, साथ में आलू की क्वांटिटी अच्छी है, अचार है और फ्रेश है, और साथ में वाटर बॉटल। तो चलो ट्राई करते हैं और बताते हैं कि कैसा है स्वाद। मैं सच कहूँ तो बिल्कुल हिमाचल में जैसा खाना होता है, जैसे आप पूरे मतलब गांव में जाएंगे, धाम में जाएंगे, वैसे ही आलू लग रहे हैं इस टाइम। नो एक्स्ट्रा फ्लेवर, और ऐसा नहीं कि कोई मसाला ज़्यादा हो गया हो, सारे बैलेंस हैं। बाकी अगर आप शिमला आते हैं, और ये जैसे विंटर कार्निवल तो खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको ये आइटम मिल जाएगी स्कैंडल पॉइंट पे, द फूड स्ट्रीट में मिल जाएगी आपको यही आइटम्स। बाकी चलो इसको ट्राई करते हैं और मिलते हैं आगे। आओ तो इसी किलो बस आपके 200। तो दोस्तों हम नेक्स्ट स्टॉल पे पहुंच चुके हैं जहां पे लगने वाला है अपना पान। तो भैया बताएंगे थोड़ा सा क्या क्या डाला गया इसका अंदर। सर इसके अंदर मीठा पान है सर ये। ओके ये फायर पान के अंदर आपको खिलाएंगे सर, और ये चटनी डाल रहे हैं मीठी वाली हम खिला रहे हैं आपको। दोस्तों इतनी आइटम्स रखी है यहाँ पे, क्या बताऊँ मतलब आंखें चौंधिया जाएगी देखकर। शिमला की खूबसूरती और ये पान का रंग, ये तो मोहब्बत है सर आपकी। शिमला की खूबसूरती और भी बढ़ गई आपके आने से सर। आप कहाँ से सर? मैं हिमाचल के सीन। अरे अरे सर हमारा सौभाग्य है, हिमाचल वासियों को पानी खिला रहे हैं। और आप? हम सहारनपुर यूपी उत्तर प्रदेश। ओ माय गॉड, सहारनपुर के छोरे हर जगह मतलब दिख ही जाते दोस्तों, और काम उनका दिखता है। अरे हिमाचल की ब्यूटी भी हर जगह दिख जाती है। हां बिल्कुल। ओके सर, ओके थैंक यू। ये सर ये फायर पान आपके लिए रेडी है। ओ डर लग रहा है सर? बिल्कुल। ओके ओपन योर माउथ सर, थम्स अप कीजिए सर वहां पर। फील मीठा मीठा आ रहा होगा सर, हल्का सा स्मॉक बोलती बंद पान भी कहते हैं इसको। मुझे यहाँ वीडियो को फॉरवर्ड करना पड़ेगा वरना बहुत टाइम लगेगा खाने में। अरे बहुत ही टेस्टी है, बिल्कुल स्ट्रीट फूड के साथ में भी है कॉर्नर, मतलब वहाँ पे आप स्पाइसी और चटपटा खाए उसके बाद यहाँ पान का आनंद ले और जा सकते हैं मॉल का विजिट करने। बाकी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सभी आए शिमला का आनंद उठाएं, और 31 जनवरी और हैप्पी न्यू ईयर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर। और इसकी कॉस्टिंग बता देंगे थोड़ा? इसकी कॉस्टिंग सर ओनली 50 रुपीज। ओके, और फायर पान की? फायर पान की 100 रुपीज। ओके, तो फायर पान की कॉस्टिंग 100 रुपीज, और नॉर्मल पान मात्र 50 रुपए में मिलेगा दोस्तों। चॉकलेट वाला है, स्ट्रॉबेरी भी आई गई, बहुत सारे फ्लेवर है। यम, तो आप भी आए और ट्राई जरूर करें फायर पान। थैंक यू भैया, वेलकम वेलकम, बहुत अच्छा लगा सर आपसे।
दोस्तों मतलब यहाँ से रवाना होने का टाइम है, बाकी हमारे साथ आपका गुड नेम नवीन कुमार नवीन भाई हम फ्रॉम दिल्ली से हैं यहाँ से और यहाँ पर इवेंट करने आए वाला कार्यक्रम। बाकी वही बात है दिल वालों का दिल्ली है दिल वालों की दिल वालों की ठीक है। और बाकी ओम प्रकाश पूरे हिंदुस्तान देखे जिन्होंने मान लिया आलू क्या बोलते हैं दोस्ता हाँ बाकी भाई भी है जो बहुत मजाक करते हैं कॉमेडी है ओके सर। और बाकी भाई जी असलम भाई पान मारते असलम भाई और वन एंड ओनली असलम भाई पान दो भाई और मेरा भाई का छोटा सा भैया बड़ा सा भाई और सर की तरफ से किसी को लाया है बहुत 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 सौभाग्य है मेरा आज के लिए ओके सर बाकी आपसे मिलेंगे बिल्कुल नेक्स्ट टाइम ठीक है सर। फेसबुक पे छोड़ दियो तेरा प्यार सब देखते हैं हां चलो दोस्तों अब यहां से आगे दिखाते हैं कि आगे क्या ओके सर वीडियो को लाइक करना मैं उठा चले जाऊंगा तेरे आका को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लिक हियर फॉर पार्ट 2 एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो दोस्तों।